हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरी जायका। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिंग अनियन की रेसिपी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए करना क्या है। ये इस तरह के प्याज के रिंग ले लेने हैं। ये बहुत ही इजीली कट जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह बताने की ज़रूरत है कि प्याज के रिंग कैसे कट करना है। तो ये देखिए, थोड़े मोटे मोटे आपको कट करना है, ठीक है। तो इस तरह से कट कर लें। और उसके बाद जो है, हम लोगों को करना क्या है, ये एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, जिसका हाफ बॉल जो है लगभग, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब जो ये मैदा बचा हुआ है, उसका हम लोगों को एक डोंगे में डालना है और उसका एक पेस्ट रेडी करना है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने डोंगे में डाल दिया है। और उसके बाद मैं डालूंगी 1/4 चम्मच नमक, या फिर अपने स्वाद के अनुसार आप डाल लें नमक। और 1 चम्मच मैं मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसकी जगह पे आप ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ये ऑप्शनल है। और ये मैंने गरम मसाला लास्ट में डाला 1/4 चम्मच, वो भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो ना डालें, ठीक है। इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है इसका। तो ये देखिए, मैं पेस्ट बना रही हूँ। अब जो है, इसमें मैं डालूंगी खाने का सोडा, वो भी 1/4 चम्मच ही डालना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा सा पानी डालें और एक मोटा पेस्ट रेडी कर लें। आप चाहें तो अंडा इसी में ही डाल सकते हैं, इस पेस्ट में ही। मैंने अलग रखा है। ये देखिए, इसका जो येलो पार्ट है, आप चाहें तो उसे भी निकाल सकते हैं। आपको नहीं पसंद है निकालना, आपको नहीं चाहते हैं, तो इसमें आप रख सकते हैं। मैंने जो है येलो पार्ट निकाल कर अलग रख लिया है, और ये जो है वाइट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा येलो पार्ट रह गया है, ये देखिए। तो इससे टेस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे का स्टेप हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो प्याज का जो रिंग है, वो पहले से ही मैदे में डस्ट किया हुआ है। तो अब जो है, उसे उठाकर हम लोग पेस्ट में डालेंगे, पेस्ट में डिप करेंगे अच्छे से। और उसके बाद उसे उठाकर हम लोग फिर से थोड़ा सा सूखे पाउडर के साथ उसे डस्ट करेंगे। और उसके बाद उसे हम लोग अंडे में डिप करेंगे, और लास्ट में हम लोग उसमें ब्रेड क्रम्स में उसे डिप करेंगे। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स अब मैंने घर पर बनाया है, आप भी आसानी से बना सकते हैं। ब्रेड लेके आइए, उसे गर्म तवे पे रखिए स्लो फ्लेम में, उसे क्रंची होने दें यानी कुरकुरा होने दें, और उसके बाद उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालें और ग्राइंड कर लें। बस ब्रेड क्रम्स बन गए। तो ब्रेड क्रम्स बना लें, और उसके बाद जो है, ये इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यूसली आप रखें। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट में डालें, सूखे मैदे में डालें, और उसके बाद उसे अंडे में डालें, और लास्ट में ब्रेड क्रम्स में डालें। और इस तरह से हमारा जो है वो रिंग अनियन रेडी हो गया। तो इस तरह से मैंने जो है वो 4 रिंग अनियन जो है वो रेडी कर लिए हैं। और अब जो है, मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए डाल दिया था। तो ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल को आपको अच्छे से गर्म करना है, ताकि आप जैसे ही डालें तो फ्राई होना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, तो स्टार्टिंग में आपको फ्लेम स्लो कर लेना है। जैसे ही आप रिंग्स डाले, फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। और उसके बाद जो है, ये देखिए, जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट हो जाए, और जब आधा हो जाए फ्राई होना, तब आप चाहें तो मीडियम फ्लेम में से रख सकते हैं। तो ये देखिए, एक साइड फ्राई हो चुका है, आपको दूसरे साइड भी फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जो है, ये जब दोनों साइड से इक्वली फ्राई हो जाएगा, तो आपको इसे निकाल लेना है। ये फ्राई हो चुका है, आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसे निकाल लें। तो आपने देखा ये कितना इजी है बनाना इसे। तो चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ। आप चाहें तो टोमेटो सॉस के साथ, चिली सॉस के साथ, धनिया पत्ती की चटनी के साथ, या फिर पुदीना पत्ती की चटनी के साथ में आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये सर्व के साथ बहुत टेस्टी लगता है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।